पूरा देश राम की भक्ति में डूबा है, हर कोई रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार कर रहा है और अयोध्या में जो भव्य राम मंदिर बना है उसे हर कोई देखना चाहता है और उसकी कहीं ना कहीं एक प्रतिरूप अपने पास रखना चाहता है। और इसके लिए झांसी के सराफा व्यापारियों ने पूरी तैयारी की है, लोगों की बजट के अनुसार चांदी से लेकर सोने के राम मंदिर की मूर्ति और उसकी कॉपी तैयार की है ताकि लोग उसे खरीद के अपने घर में रख सकें। बड़ी संख्या में लोग झांसी के सराफा बाजार में पहुंच रहे हैं जहां पर ऐसे राम मंदिर के मॉडल और भगवान राम की प्रतिमा तैयार की गई है जो सोने और चांदी की है। कम बजट में ऐसी भी चीज़ें हैं जहां पे जिन पे सोने और चांदी की प्लेटिंग की गई है ताकि हर राम भक्त अपने बजट के अनुसार राम मंदिर की एक कॉपी अपने घर में रख सके। मैं यहाँ पे राम मंदिर बन रहा हैगा, मैं इसको देखने आई थी, बहुत सुंदर बनाया हैगा और हम भी चाहते हैं हम अपने घर में भी इसको स्थापित करें। बहुत सारी वैरायटियां हैं इनके यहाँ, बड़ी छोटी सभी तरह की है, फोटो वगैरह भी है, लेकिन हम सोचते हैं एक सोने का चांदी का सभी तरह का है। हाँ हाँ ये बहुत सुंदर है, बड़े साइज का है, वो बहुत सुंदर लग रहा है। इसके साथ ही एक सराफा व्यापारी महामाया ज्वेलर्स ने बेहद खास सोने की अंगूठी तैयार की है जिसके ऊपर 2 इंच बाई 1 इंच का राम मंदिर का मॉडल भी सजा कर रखा गया है। अब निश्चित ही 22 जनवरी 2024 को जो हमारी पुनः प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है रामलला की नव निर्मित मंदिर में, तो उत्साह सभी सनातनियों में है, निश्चित तौर से बाजार में भी लोगों के है। हम लोगों ने भी कुछ राम मंदिर के प्रतीक बनाए हुए हैं चांदी में सोने में। ये हमारा सबसे छोटा 379 रुपए का हम लोग इसको बना के दे रहे हैं। इसके बाद 619 रुपए में हमने ये चीज बनाई हुई है जिसका नाप 8 इंच बाई 8 इंच के लगभग रखा गया है। सोने में भी हम लोगों ने श्री रामचंद्र जी के साथ में राम मंदिर के निर्माण किया हुआ है। अब इसके बाद और 8,550 रुपए में, मतलब कुल मिला के हर व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ जरूर रहेगा हमारे पास। और बहुत खास के लिए हम आपको बताना चाहेंगे, हमने एक रिंग बनाई है जो कि 2 इंच बाई 1 इंच की रहेगी और जिसका वजन 35 ग्राम के आसपास है। और बाईस जनवरी से पहले हर प्रकार लोग अपना उत्साह दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो इस प्रकार की मूर्तियां खरीद कर ही क्यों ना हो। लोकेटिंग के लिए झांसी से शाश्वत सिंह की रिपोर्ट।